हेलो गाइस, एग्जाम फिर से आपका बहुत बहुत वेलकम। आपके सामने हाजिर है एक बहुत ही शानदार वेबसाइट को लेके। अगर आप अपना फोटो पासपोर्ट साइज में बनाना चाहते हैं या किसी दूसरे का फोटो पासपोर्ट साइज में कुछ क्लिक के अंदर बनाना चाहते हैं तो इजिली आप कर सकते हैं। इस तरह की फोटो को आप आसानी से इस तरह की फोटो में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए देखते हैं कौन सी वेबसाइट है, इसकी मदद से आप कैसे पासपोर्ट साइज का फोटो इजिली आप घर बैठे बना सकते हैं। ओ गाइस, वेलकम बैक। सिंपली आपको करना क्या है, कैपकट प्रो इस वेबसाइट पे आ जाना। मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। बस आप करना क्या है, लिखा है अपलोड इमेज, अपनी इमेज को यहाँ पे अपलोड कर देना है जिसको आप पासपोर्ट साइज में बनाना चाहते हैं। अगर आप नहीं जानते कि पासपोर्ट साइज का फोटो की साइज कितनी होती है तो इस पे इजीली अपलोड करके आप जान भी जाएंगे कि कितनी साइज रहती है। एनीवे, आते हैं अपलोड पे और यहाँ से हम करेंगे अपलोड इमेज। आपका जो भी एक्सप्लोरर रहेगा मीडिया बिन का, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सिंपली हम जाते हैं डाउनलोड में, हम यहाँ पे कुछ डाउनलोड फोटो करके रखे हैं गूगल से, यहाँ पे डायरेक्ट इसको ओपन कर देते हैं। कुछ इस तरीके का फोटो है, यहाँ पे ऑटोमेटिक इसको कट कर देगा, जिसका भी इसका बैकग्राउंड रहेगा उसको रिमूव करके वाइट बैकग्राउंड कर देगा। अगर आप यहाँ पे पोर्ट्रेट फोटो के अलावा अगर आपको कोई लैंडस्केप फोटो है तो उसको भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक उसको एनालाइज कर लेगा इसका AI फीचर कि कहाँ पे आपकी इमेज पोर्ट्रेट मोड में से बन सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक इसका बैकग्राउंड जो है रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे आके साइज़ देख सकते हैं कि अलग अलग कंट्री के हिसाब से ऑस्ट्रिया में क्या साइज़ रहती है। यहाँ पे जो ऊपर एक कॉमन साइज़ दिया गया, कॉमन साइज़ यहाँ पे रहती है। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इंडिया। अब इंडिया की जितनी भी साइज़ रहेगी यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इंडिया में कौन कौन सी साइज़ चल रही है। यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं जो आपकी ज़रूरत रहेगी। हम देख सकते हैं नीचे साइज़ भी दी गई है, यहाँ लिखा है 600x600 पिक्सल। इसी तरह अलग अलग साइज़ दी गई है, इंडिया पैन कार्ड पे ये रहता है। तो यहाँ पे जो भी आपको सही लगता है उसको ले लीजिएगा। उसके बाद इसके बैकग्राउंड जो है इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कलर लेना चाहते हैं, यहाँ से कलर लेंगे। यहाँ पे जो भी कलर आप चेंज करना चाहते हैं कलर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड रहता है ज़्यादातर पे, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। हम ये कलर लेते हैं। यहाँ पे जो क्लासिकल बैकग्राउंड है यहाँ पे ऊपर दिया गया है कि यही सब चलता है, तो यहाँ से हम एक कलर लेते हैं। उसके बाद इसके ड्रेस को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप कोई भी ड्रेस पहन के फोटो कैप्चर नहीं किए तब भी इसलिए आप इसको चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे नीचे एक छोटा सा आइकन बना है ड्रेस का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ड्रेस को भी कैटेगराइज किया गया है, मैन, वुमेंस, चिल्ड्रेंस। तो आप देख लीजिए कौन सा जेंडर है, या तो मैन है तो मैन की किसी भी ड्रेस को हम सिलेक्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिक इस पर अप्लाई कर देगा और आपका फोटो रेडी हो जाएगा डाउनलोड करने के लिए। यहाँ देख सकते हैं फोटो पे अब मतलब सेट हो चुका है। अगर आपको दूसरा ड्रेस लेना है कैजुअल ड्रेस तो यहाँ से आपको कैजुअल ड्रेस को ही ले सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं परफेक्ट है फोटो के हिसाब से, आपका सही लग रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रॉप की बटन मिलती है, इस पर आएंगे। यहाँ पर ऊपर लिखा है पेपर साइज़, पेपर साइज़ में क्या है कि आपको साइज़ देना है कि कितने मतलब एक पेज पर कितना फोटो लेना है। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, 6x4 लिखा है तो 6x4 का इस तरीके से आ जाएगा, इस तरह 6x4 वाले पेज पे आ जाएगा। अगर और ज़्यादा आप लेना चाहते हैं 7x5 वाले पे कुछ इस तरीके से रहेगा, पोर्ट करना चाहते हैं। जैसे A4 साइज़ होती है जो आमतौर से जो पेपर रहता है जिस पे आप जीरोक्स कराते हैं, तो A4 साइज़ का ये पेपर रहेगा, तो कुछ इस तरीके से आपकी इमेजेस आएंगी। तो इसको बस आपको करना क्या है कि आगे आपको डन की बटन मिलती है, डन की बटन पर क्लिक करेंगे आपका फोटो रेडी हो जाएगा। बस आपको डाउनलोड करना है, HD कर सकते हैं या PNG कर सकते हैं या JPEG कर सकते हैं, क्वालिटी यहाँ से आप मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे डाउनलोड के बटन पर क्लिक करते हैं आपका फोटो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ तो यहाँ पर आपको कुछ क्रेडिट मिलता है, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करेंगे तो आपके पास 2 क्रेडिट रहता है। आप दूसरे ईमेल आईडी से भी आप इसको कर सकते हैं। मैं एक बार चेक किया हूँ तो इसलिए यहाँ पे दे रहा है कि इनसफिशियंट आपके पास क्रेडिट है। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ से आप चेक करेंगे तो आप इसको इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आई होप ट्यूटोरियल और ये वेबसाइट आपको पसंद आई, पसंद आए लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा और इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ZigZag को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक लीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।